नमस्कार। योगी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारों से आज गौतम बुद्ध नगर सहित पूरे देश में गूंज उठ गई। किसानों ने उग्र आंदोलन किया, जहां आज पूरे देश की चक्का जाम कर दिया गया, वहीं गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्गों पर किसानों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन असहसा नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसान आज ही केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, मगर चेतावनी के बाद धरना समाप्त हुआ और किसानों ने योगी और मोदी सरकार को चेताते हुए कहा कि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा किया जाए, वरना पूरे देश में चक्का जाम होगा और यह चक्का जाम अब की बार अनिश्चितकालीन होगा। वहीं केंद्र सरकार के मंत्री विधायक सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के उपलक्ष में ही बिजी रहे। उन्होंने डर के वजह से किसानों के आंदोलन को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। आज का मुद्दा ब्यूरो है, उनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनाया जाए। अगर MSP रेट से कोई भी नीचे खरीदेगा उस पे कार्रवाई हो जाए। वही मांगे आए हैं, अपनी मर्जी से किसी का कोई लागू नहीं होएगा। जैसे कांग्रेस नहीं रही है, ऐसे BJP का भी फूफड़ा साफ होने वाला है। BJP वाले सुन ले, अपने उल्टी गिनती शुरू कर दे। ये बाबा टिकैत की सेना है, ये जाग चुकी है। देश का अन्नदाता जब पेट भरने का काम करेगा तो जय जवान बाबा टिकैत। ये बैठ जाओ भाई, खड़े क्यों, हम लोग बैठे नहीं थे। नहीं, ये जो अध्यादेश आया है, इसी अध्यादेश में आखिर ऐसी क्या विशेषता है जो ये खराब लग रहा है किसानों को? क्यों लग रहा है खराब भाई? इसमें बीज की व्यवस्था नहीं है। आप बताओ ना, क्यों लग रहा है? आप किसान हो? किसान है, बाहर की तंगी हमें, किसी चीज की भी पूर्ति नहीं कर रही। तो सरकार से क्या चाहते होने चाहिए? क्या सरकार क्या आप काम करते हैं? आपकी जो पैदावार है, सहकारी समिति काम कहाँ कर रही है? क्या है सहकारी समिति काम कहाँ कर रही है? क्या कभी आपने नहीं विरोध करे अपने ही घर के अंदर से? और जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जो जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, किसान विरोधी बिल वापस लो। अपनी मर्जी से ही अध्यादेश लागू कर देते हैं। ये देश का जो पेट भरता है, इस लॉकडाउन में अगर किसी ने देश की अर्थव्यवस्था संभाली है तो देश का अन्नदाता ने किसान ने संभाली है। कोई गोली खाता है तो वो जवान किसान का बेटा खाता है, अन्न पैदा करता है तो वो किसान पैदा करता है। और ये किसान विरोधी अध्यादेश पैदा करेंगे, नहीं होने देंगे। भारतीय किसान, भारत देश की आबादी है, उसमें 70% लगभग कृषि पर आश्रित है। लगभग 70% लोगों की जीविका कृषि से चलती है। अगर बॉर्डर पे जवान मर रहे हैं तो वो भी किसानों के ही बेटा हैं। अगर नेता अभिनेता इनके पेट भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भी किसान के ही बेटा हैं। इन किसानों में ऐसी क्या कमी हुई कि आप उल्टे सीधे अध्यादेश लाते हो, ना किसी से पूछते हो? दलालों को, रिश्वतखोर दलालों को, झूठे मारो को, अभी तो लिए लड़ाई है, लड़ाई है, चोर जुलम की टक्कर पर हमारा नारा है। जब तक दुखी किसान, दल्ले और दलालों को, बाबा टिकैत के सिपाही
सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आए और बैठ गए बीच में। पंचायत शुरू होने जा रही है, सभी से आगे है मेरा, अब सब आ जाए पंचायत हिस्सा का। अब मैं ये जो गांधी कोरोना महामारी के समय में तीन बिल ये और सत्ता बिल अन्य बिना किसी सवाल जवाब के अभी का प्रतिनिधि सुनते हम यानी कभी में रोड पे बैठे हैं अगर कोरोना नंबर कह रहे थे आप लोगों को सबसे पहले आगे लेवल के मुताबिक बैठे आ सकते हैं इससे पहले नंबर सारे हम पार नहीं है आप सबसे बैठे ना हमें किसी वोट चाहिए ना हमें कभी दिल्ली में जाकर सत्ता में बैठना या दिल्ली का महीपति जो रुकेगा कि किसान जमीन पर आकर बैठ गया है। धरने पे आप लोग इस समय पहुंच रहे हैं, इस पे क्या क्या मांगे आपकी हैं और क्या ये समस्या? देखिए जी, मांगे नहीं हमारा अधिकार है, मांगे नहीं हमारा अधिकार है और अधिकार हमारे ये है। आखिर सरकार को ऐसा क्या जरूरत पड़ने लगी, आखिर सरकार को ऐसा क्या जरूरत पड़ने लगी जो एसी कमरे के अंदर इन्होंने बैठ करके ये बिल या अध्यादेश लेके आए हैं और इस अध्यादेश को लागू कर दिया। आज संसद के अंदर में आपस बहस नहीं हो रही किसानों के लिए, आखिर किसान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसान प्रधान देश है भारत, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, किसानों को जवानों पे पिटवाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमारा गुनाह क्या है? आप हमें बताइए हमारा गुनाह क्या है? क्या हमारा गुनाह है हम किसान है? क्या गुनाह है हमारा? हमें बड़ा दुख है, हम बड़े पीड़ित हैं, छोटे किसानों के क्या होगा? कोल्ड स्टोर अगर बढ़ा दिए जाएंगे उसमें काला बाजारी बढ़ेगी, लोग अपना स्टॉक कर लेंगे और जब अपना स्टॉक करेंगे कहीं ना कहीं तो ये काला बाजारी बढ़ेगी। और जैसे आलू प्याज तेल कदम भाजपा तेरा खेल कदम, अटल बिहारी अटक गए आलू प्याज अटक गए, आज वही नारा हमें दिख रहा है। हमें दुख है इस बात का कि हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, लेकिन ये नारा आज भाजपा सरकार के खिलाफ साफ साफ नजर आ रहा है हमें, और हमें दुख है इस बात का, हमें दुख है इस बात का। हम कहां जाएं ये बताएं आप, हमें कहां जाएं? आखिर ऐसा क्यों? किसान संगठनों को क्यों नहीं याद किया? जो आपकी जमीनी स्तर पर कौन सी है आपकी? हमारी मांग कुछ नहीं, हमारी मांग ये है कि इस किसान विरोधी सरकार ये जो है ये वापस जाए, इसके खिलाफ नोटा का, किसान इस बार इतना दुखद है भारतवर्ष का किसान, इसके खिलाफ हम नोटा का बटन दबा करके इसे वोट देंगे। खबर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज का मुद्दा ब्यूरो।